अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, इन द प्रीवियस टू वीडियो ऑफ गुनू खाता आई हैव शोन यू हाउ और इज गुनू खाता एंड व्हाई वी यूज और हाउ टू क्रिएट द अकाउंट इन गुनू खाता। हियर नाउ अगेन बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सो आई हैव मेड अ वीडियो इन विच वी विल बी गोइंग टू अंडरस्टैंड द फैक्ट व्हाई वी रिक्वायर गुनू खाता एंड व्हाट इज द पर्पस। सो लेट मी स्टार्ट। बेसिकली वी ऑल नो दैट गुनू खाता इज नथिंग बट इट इज लाइक, आप अगर समझो तो इट इज लाइक अ टैली। ओके, टैली में आप क्या करते हो, उसमें फाइनेंशियल अकाउंट्स होंगे आपके या बैलेंस अकाउंट ये सारे, मगर यहाँ जो आपको फैसिलिटी मिल रही है गुनू खाता में, ये यहाँ पे आप नंबर ऑफ द मतलब टैक्स रिक्वायर्ड थिंग्स जो होता है कॉर्पोरेट वर्क में। अभी क्या हुआ है, जो टैली रिलेटेड में हमने देखा था तो वो सिंपल टूल्स था, तो आपने इंट्रोडक्ट न्यू सोर्स बना है जहाँ पे आप जीएसटी को कैसे, उन लोगों ने 18% जीएसटी कैसे डालते हैं, 5% जीएसटी वो ऑटोमेटिक उस सॉफ्टवेयर में, खाली आपको उसको इन्हांस करना है और उसे डालना है। तो इसलिए गुनू खाता इज बेस्ट सॉफ्टवेयर एंड इट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो नॉट रिक्वायर दैट यू हैव टू परचेस इट। ओके, जस्ट यू हैव योर दैट योर कंप्यूटर शुड हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ 64 बिट्स। अगर 64 बिट्स है तो आपके कंप्यूटर में वो आप इनबिल्ट कर सकते हो। और उसके लिए आपके पास देखो दो चीज़ है, यहाँ पे जो आपको बता रहा है ये बता रहा है कि यहाँ इट शुड बी हैविंग अनबंटू, अनबंटू इज नथिंग बट ये लिनक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो वहाँ पे होना चाहिए, उसके डेरिवेटिव्स बनते हैं। सिमिलरली आप इसको विंडोज़ में भी डाल सकते हैं, पर वहाँ पे एक कंडीशन मैंने बार बार बता रही हूँ, 64 बिट्स का ये उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएगा जहाँ पे आपका बीट होगा 64 बिट। जब हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो दो तरह से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्हांस करते हैं, वो है 32 बिट्स और 64 बिट्स। अगर हम 64 बिट के अंदर ही ये वाला गुनू खाता, क्योंकि ये अकाउंटिंग पर्पस है, तो बहुत डेटा अवेलेबल है। और इंस्टॉल, और यहाँ पर क्या डाउनलोड क्या करना है हमको, ये एक सिंपल ये जो आपको लिखा हुआ है गुनू खाता, इसी साइट पर जाओगे, यहाँ से आपको इंस्टॉल करना है। फिर यहाँ आप टर्मिनल ओपन टर्मिनल डाउनलोड के लोकेशन में जाओगे, वहाँ पर टर्मिनल दिखाएगा, वहाँ से आप एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, कॉपी और पेस्ट करोगे बिलो का कोड टर्मिनल में और उसे रन करना है। बहुत इजीली यू कैन डू इट, ओपन द गुनू खाता फ्रॉम द डैश और द एप्लीकेशन मेनू का, मतलब ये जो हमारा मेनू साइड होता है वहाँ से आप खोल सकते हो। ठीक है, गुनू खाता क्या ओपन्स अप इन अ ब्राउजर एंड डिस्प्ले फॉलोइंग, क्या क्या डिस्प्ले कर रहा है। पहले हमने आपको सिंपल एक फॉर्मेट दिखाया था विद उसकी मैंने विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रीनशॉट आपको बताया था एक एक स्टेप कैसे हम लोग उस गुनू खाता पर एंटर। सेम चीज़ें यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर इन अब वहाँ पर आपको जैसे ही खोलोगे तो हर बार आप टैली में भी खोलते हो तो आपको पहले कंपनी क्रिएट करना पड़ता है, यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, कंपनी क्रिएट करना होता है, जो फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको बनाना है वो डालना होता है। उसके बाद एडमिन, जैसे कि एडमिन मतलब जो उसको अथॉरिटी देगा कि आप इस पर वर्कआउट करेंगे, तो वो सेटअप करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होता है। दूसरी बात ये है कि जब भी हम फीड करें कोई भी नेम पासवर्ड सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर एंड क्लिक, ये सारी चीज़ को हमको रिमेंबर करना होता है, और उसके बाद हम क्रिएट और लॉग इन करेंगे। फिर क्या करेंगे, सेट नाउ यूज़ द मेनू बार टू स्टार्ट यूजिंग द गुनू खाता टू मैनेज योर फैंस। फिर ये आप जैसे ही आप कंपनी का ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि स्टेप बाय स्टेप में सारी वीडियोज़ दिखाता है कि गुनू खाता कैसे ओपन करना है, फिर कैसे कंपनी के फाइनेंशियल, फिर कैसे एडमिन एंटर करना है। प्लीज़ प्रीवियस वीडियो से भी आप, मैं यहाँ पे पॉइंट आपका डिस्कस इसलिए कर रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जहाँ पे वो ये हो जाता है कि कैसे वर्कआउट कर रहा है, हम दिखाएंगे प्रोसेस आपको लॉन्च बाय लॉन्च दिखाते चले जा रहे हैं, पर परेशानी ये आपको स्टेप्स नहीं पता, तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखो ये इस तरह से स्टेप्स गुनू, अब देखो क्या दिखाया, वेलकम टू गुनू खाता दिखाया, मैंने जो आपको बताया, फिर केस फाइनेंशियल प्रॉफिट मार्केटिंग किस में आपको करना। फिर नेक्स्ट जो है वो है आपको क्रिएट, मैंने बोला जो हमने सेकेंड स्टेप बोला था कि एडमिन का नेम और सिक्योरिटी क्वेश्चन क्रिएट करना है, वो क्रिएट करना है। फिर नेक्स्ट ये आपका फिर प्रॉफिट मार्किंग का ये चालू हो गया, अब आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं टूल बार प्रेस F1 कर सकते। अगर आपको रिमूव करना है गुनू खाता, आपको नहीं चाहिए कि आपको नहीं वर्कआउट करना, तो यहाँ पे ये है कि हियर यू वी नीड टू डू ऑर्डर टू रिमूव द गुनू खाता, क्या करना है, सेटअप गेट रिमूव।
कभी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके उसको अनइंस्टॉल कर दो, तो ग्नू खाता जब आपको ज़रूरत ही नहीं है तो आप रिमूव कर सकते। पर ये सिर्फ बताने के मेरा सिर्फ एक ही कंडीशन है बच्चों कि आपको इसे करना आना चाहिए। ये इजीली आपको हर जगह नहीं समझ में आता जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करो। और जब मैं जैसे ही मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्नू खाता इंस्टॉल हो जाएगा मैं आपको उसको ईजिली समझाने की कोशिश करूँगी लाइवली, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे वर्कआउट करता है। हो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हर चीज़ की एक सिस्टमेटिक वे से अगर जाएंगे तो पहले मैंने आपको सिंपल क्या था ग्नू खाता, किधर यूज़ करना है वो सब बताया, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप उसके स्क्रीनशॉट कर करके बताया कि इस तरह से स्टेप आउट करना है। अभी आपको इन्हांस ये करवाया कि भाई ग्नू खाता इंस्टॉल कैसे कैसे स्टेप्स हैं। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आप बेटरली एक एक स्टेप समझ में आएगा, आप अपना इसको नोट्स बना लीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए और बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि इन फ्यूचर जो भी अकाउंटिंग में जाना चाहेगा या जो भी सीए, इन सब चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जज़ाकल्ला खैर आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई डियर स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।